और अब बात आसमानी आफत की। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। कई जगहों पर जलभराव और निचले इलाकों में बारिश के पानी में डूबने की ये तस्वीरें सामने आई। लखनऊ में तो रोड में ही कई फीट गहरा गड्ढा बन गया। लखीमपुर खीरी में तेज बारिश की वजह से स्कूल बंद कर देने पड़े हैं। ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश से एक मकान गिर गया। जालौन, हरदोई, हमीरपुर में भी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से लोग हलकान हो रहे हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो 7 जिलों देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिलों के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून में सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया कि भारी बारिश के बीच अगर कहीं कोई मुसीबत आती है तो उसका सामना कैसे किया जाए। और यूपी के कई जिलों में पिछले 2-3 दिन से कहीं भारी बारिश तो कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है। मथुरा में बारिश से जहां पानी सड़कों और घरों में घुस गया तो वहीं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, झांसी, जालौन में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भर चुका है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पीलीभीत में 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते शारदा नदी के बनबसा बैराज से 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। इससे एक बार फिर शारदा नदी के किनारे कई गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। 2 दिन की बारिश में गन्ने और धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। पीलीभीत में एक बार फिर बाढ़ का कहर देखने को मिल गया है। यहाँ पर आपको बताते चले कि बनबसा बैराज से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये पानी पीलीभीत के कलीनगर तहसील, मधोटांडा और पूरनपुर तहसील क्षेत्र में तबाही मचाएगा। वहीं नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। हमारी जितनी भी बाढ़ चौकियां हैं सभी एक्टिवेटेड हैं और जितने भी हमारे बाढ़ शरणालय हैं सभी का मौका मुआयना कल से ही हमारे जो SDMs हैं अपनी टीम के साथ कर चुके हैं। हमारी जो कम्युनिटी किचन है वो बिल्कुल रेडी है लोगों को खाना खिलाने के लिए। सभी लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि वो स्वयं और उनके जो पशु हैं उनको कहीं भी लोलैंड पे लेके ना जाएं। उनको जो प्रशासन के द्वारा सुरक्षित स्थल चिन्हित किए गए हैं उस पे उनकी शिफ्टिंग कर लें। पीलीभीत में लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ गए। शहर में जगह जगह जल भराव ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है। लोगों के घरों से लेकर दुकानों तक पानी पहुँच गया है। लखीमपुर खीरी में जोरदार बारिश के बाद पलिया में प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। लगातार मूसलाधार बारिश के चलते शारदा नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी सड़क पर पहुंच गया जिसमें तेज बहाव के चलते रोडवेज की बस फिसलकर गड्ढे में फंस गई। इसके बाद बस में बैठे 25 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। झांसी में लगातार 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से खेत जलमग्न हो गए। खेतों में पानी भरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान अब जिला प्रशासन से मुआवजा देने की गुहार लगा रहे हैं। गांव में पानी भरने से किसानों के घरों में रखा अनाज भी भीग गया। खोल लेन वालों ने खोल लेन बना ली लेकिन गांव की नालियां नहीं बनाई गई ना खोल लेन की नाली बनाई गई। सीसी हम लोग इतना घूंटन गिला रहा है पैदल नहीं निकल पा रहे। इतना गमला है तो हमारे यहाँ पर सीसी बन जाए और नाली बन जाए जो खोल लेन की तो पानी को निकासी पानी निकल जाए। जब तक पानी की निकासी नहीं है तो जालौन में मूसलाधार बारिश के चलते लोगों को बाढ़ के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। ललितपुर के राजघाट और माता टीला बांध से लाखों क्यूसिक पानी छोड़े जाने के बाद जालौन में कोच तहसील में बहने वाली नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। सबसे ज्यादा मऊ गांव प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों को यहां से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। पूरी तरह से प्रशासन जो है वो मुस्तैदी से गोवंशों के लिए, पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था और जो घर गिर गए भी लोग निरीक्षण कर रहे हैं उनके लिए उनको अहेतुक सहायता ये जो शासन से जो है वो तुरंत उनको दी जा रही है। हरदोई में लगातार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सड़कों पर बारिश का पानी भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। इंटरमीडिएट तक सभी स्कूल में 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। शाहजहांपुर में बारिश से कई जगह जलभराव हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 8वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बारिश के कारण सबसे ज्यादा धान और गन्ने की फसल बर्बाद हुई है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर 3 दिन अलर्ट जारी किया गया है। अमरोहा में 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते एक मकान गिर गया। मलबे में परिवार के 6 लोग दब गए। हादसे में 11 साल के बच्चे की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बारिश में छत गिर गई है, बच्चे दब गए, 6 बच्चे थे, सबके ज्यादा चोट है, बड़ा वाले के ज्यादा गंभीर है। ग्रेटर नोएडा में बारिश के चलते जर्जर मकान की छत गिर गई। इस हादसे में परिवार वालों को हल्की फुल्की चोट आई है। हादसे के वक्त परिवार घर के अंदर सो रहा था। परिवार के सदस्य किसी तरह जान बचाकर आनन फानन में भागे। हमीरपुर जिले में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बांधों से पानी छोड़े जाने से यमुना और बेतवा नदी में उफान है। बेतवा नदी में माताटीला बांध से 2.85 लाख क्यूसिक और लहचूरा बांध से 3 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। इससे यमुना और बेतवा नदी के जलस्तर में 6 मीटर का इजाफा हो सकता है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। आगरा में 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है, इससे अंतिम संस्कार में भी परेशानी हो रही है। यही वजह है कि तिरपाल लगाकर जनाजा कब्रिस्तान तक ले जाया गया। हाथरस में सड़क हादसे में घायल आबिदा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मुजफ्फरनगर में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के बाद अब लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लखनऊ में बारिश के चलते यूनिवर्सिटी के पास सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया। पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर पहुंची और रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाकर ट्रैफिक डाइवर्ट किया, जिसके बाद सड़क की मरम्मत का काम किया गया और गड्ढे से पानी निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। वहीं पहाड़ पर भी बारिश ने भारी तबाही मचाई। उत्तराखंड के 7 जिलों देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं 6 जिलों के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कुमाऊं के 6 जिलों में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण कुमाऊं में बहने वाली ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हल्द्वानी में दफ्तर जाने वालों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। उत्तरकाशी में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है, जिससे जिले की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। भागीरथी नदी भी उफान पर है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद होने और खुलने का सिलसिला जारी है। 6 से ज्यादा लिंक रोड बंद हैं। पहाड़ों में हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलने लगा है। ऋषिकेश में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के आरती स्थल तक गंगा का पानी पहुंच गया है, जिससे तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं को दिक्कतें बढ़ गई हैं। पहाड़ों पर 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते कई जिलों में लैंडस्लाइड और नदियों में उफान की खबरें हैं। टिहरी में लगातार बारिश से घनसाली घुत्तू सड़क पर पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे पहाड़ी का एक हिस्सा भरभराकर गिर रहा है। वहीं घनसाली के आपदा प्रभावित भिलंगना इलाके में लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश से भिलंगना नदी उफान पर है, जिससे आसपास के इलाकों में खतरा बना हुआ है। घनसाली घुत्तू रोड पर कई जगहों पर मलबा गिर रहा है, हालांकि मशीनों द्वारा मलबा हटाया जा रहा है। अल्मोड़ा में बारिश के बाद पनार नदी के उफान में 2 लोग फंस गए। नदी के टापू में 2 लोगों के फंसे होने की सूचना प्रशासन को दी गई।
चमोली में दो दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। जगह जगह सड़कों पर मलबा आने का सिलसिला जारी है। चमोली में लगातार हो रही बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे कई जगह बंद हो गया है। कमेड़ा पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई, जहां पर रोड पर मलबा आने से हाईवे बंद हो गया, जिसके साथ ही पातालगंगा, पागल नाला और नंदप्रयाग में भी हाईवे बंद है। मलारी हाईवे भी लाता के पास दो जगह से बंद है, जिसकी वजह से यात्री फंसे हुए हैं। वहीं सभी जगहों पर सड़क खोलने का कार्य जारी है। बागेश्वर में नदी नाले उफान पर हैं। जिले की 12 सड़कों पर ट्रैफिक बाधित है। भारी बारिश के अलर्ट के चलते प्रशासन ने दो दिन स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। लगातार बारिश से पालतू पशुओं के चारे का भी संकट पैदा हो गया है, जिससे ग्रामीण महिलाएं काफी परेशान हैं। नैनीताल के ओखलकांडा में लगातार बारिश से खंड शिक्षा अधिकारी का दफ्तर आपदा की चपेट में है। दो दिन से हो रही बारिश के बाद सड़क से पूरा मलबा शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में घुस गया, तो कई दस्तावेज और दफ्तर में रखा सामान खराब होने की स्थिति में पहुंच गया। सड़क से आया मलबा बिल्डिंग के पीछे से घुसा है, तो पानी भी कमरों में भर गया। सूचना के बाद मलबा हटाने का कार्य जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 7 जिलों देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 6 जिलों के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। कई जिलों में कल से लगातार बारिश हो रही है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। विभिन्न जनपदों में जो अगले 3 दिन का अलर्ट है, उसको लेकर सभी जिलों के जो प्रमुख अधिकारी हैं और आपदा प्रबंधन के लोग हैं और मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसके अनुसार सबसे बातचीत की है कि वहां पर क्या संभावनाएं हैं और किस प्रकार से हम लोग वहां बचाव कर सकते हैं। हमारा यही है कि ऐसे समय में हर एक व्यक्ति जो भी आपदा से प्रभावित हो रहा है उसको तत्काल सहायता पहुंचाई जाए, आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन किया जाए, जो मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं उन मार्गों को तत्काल खोला जाए और किसी भी जनहानि से और अन्य प्रकार की जो हानियां होती हैं उनसे लोगों को बचाया जाए। चमोली में लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ों में बर्फबारी हुई। ये तस्वीरें हेमकुंड साहिब की हैं, जहां पर चोटियों पर बर्फबारी होने से हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।